सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लेजेंड्स ऑफ रन टेरा, ये जो हमारा गेम है, ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है और मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। सबसे पहले तो मैं गेम की बात करूँगा, तो इस गेम का साइज़ प्ले स्टोर पर 76 MB के आसपास है, बट हाँ गेम में और भी एडिशनली नकला है और गेम में एडिशनली 2.5 GB तक का लगता है साइज़। एंड यहाँ मतलब मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूँ कि ये एक ऑनलाइन गेम है, पर चलो मैं थोड़ा मोबाइल डाउन करके और बताता हूँ गेम के बारे में। तो अभी मैंने जैसे कहा कि गेम में एडिशनली लगता है 2.5 GB, और हाँ मैंने खुद अभी गेम को जो है ना पूरा नहीं कंप्लीट करा, मतलब गेम में पूरा एडिशनली नहीं डाउनलोड करा है। चार्जेस जो भी लगते हैं यहाँ पर आप खुद ही समझ जाएंगे मैंने कितना डाउनलोड करा है। थोड़ा सा वेट कर लो तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा, आप समझ जाएंगे। बाकी ये है कि हाँ आप थोड़ा सा भी डाउनलोड कर लेंगे ना उसके बाद गेम को प्ले कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि 2.5 GB में से मैंने जो है ना सिर्फ 1 GB ही डाउनलोड करा, अभी 1500 मतलब वो बचा है। बाकी चलो इसको मैं डाउनलोड पे लगा देता हूँ, पर उतनी देर में हाँ ऐसा नहीं है कि डाउनलोड होता रहेगा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत हमारे जो है ट्यूटोरियल ये सब है, तो उसके थ्रू मैं आपको गेम बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं वो डाउनलोडिंग का हट गया है हमारा, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इस गेम के अंदर में। यहाँ पर प्ले पर क्लिक करता हूँ मैं, वो ये चीज़ इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी ना क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, हम फिर इतनी देर बेफालतू का बैठे रहेंगे, उससे अच्छा है कि ट्यूटोरियल ही कंप्लीट कर लो। मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत ही एक बेनिफिट चीज़ है, बेनिफिशियल चीज़ है। वैसे यहाँ पर ये गेम जो है ना, इसकी बात करो तो ये एक मतलब कार्ड वाला गेम है यार, जैसे अपना पोकेमोन डुअल गेम है ना उस तरीके से, जिसमें कार्ड होंगे उसके पास पावर होगी, मतलब कार्ड से जो गेम प्ले करते हैं ना उस तरीके का ही गेम है। यहाँ पर आप देख कर समझ जाएंगे, यहाँ 3-3 कार्ड का अभी तो हमारा चल रहा है। तो ऐसे जो है ओपोनेंट वाले के पास में भी 3 कार्ड रहेंगे, अपने पास में भी 3 कार्ड रहेंगे। ऐसे कार्ड तो ज़्यादा रहेंगे पर अपने को अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कार्ड डालने हैं। यहाँ पर अभी 3 कार्ड वाला हम प्ले कर रहे हैं ना, तो 3 कार्ड वाले डालेंगे। अभी मैं खुद भी कन्फ्यूज हूँ, जैसे कि ये है तो इसको हम रखेंगे बीच में। अरे यार मैं थोड़ा सा यार कैसा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, किस तरीके से रखेंगे यार इसको, एक मिनट एंड राउंड करता हूँ। हाँ ये हुआ ना, ये थोड़ा सा बीच में रखा हमने एक, अब उसके बाद में एंड राउंड करो इसको। अब उसके बाद में हमारा यहाँ पर राउंड 2 आएगा, इसके अंदर में हम दूसरा कार्ड रखेंगे। अब मैंने गलती कर दी थी इस चीज़ को, बाकी अब नहीं करेंगे हम गलती। यहाँ पर इसको उठा के और यहाँ पर रख देंगे। अरे यार रखा जा रही बेटा, क्या दिक्कत आ रही है यार। ये थोड़ा सा है ना यार, मैंने कभी कार्ड वाले गेम इतने प्ले नहीं करे ना, इसकी वजह से मुझे नॉलेज नहीं है। अब यहाँ पर 2, 3, 1, 1 ये देख रहे होंगे आप, तो इसमें ये समझ जाओ कि ये जो एक है एक डिफेंस बता रहा है कि हमारा जो कार्ड है इसके पास में 2 का डिफेंस है, और ये जो है 1, 3 का पावर है। इस तरीके से हमारे दूसरे कार्ड में 1 की पावर है और 1 का डिफेंस है, तो आप समझ ही सकते हैं एक एक जब टकराएंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। बट हाँ वहीं पर 2, 3 और 1-1 टकराएंगे तो फिर एक तरीके से क्या होगा, हमारा कार्ड जीत जाएगा। इस तरीके से है। और हाँ यहाँ पर एनिमेशन बहुत ही पावरफुल आते हैं, तो देखने लायक है वो। अब यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कौन जीतता है। एंड आप देख सकते हैं मैंने जैसे कहा था कि 1-1 टकराएंगे तो दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। तो हाँ इस तरीके से बहुत सारे लोगों को इस तरीके के गेम खेलना पसंद है, एंड काफ़ी एडिक्टिव गेम भी होते हैं ये वाले। बाकी मतलब मैंने देखा था बहुत ही ये इस गेम ने ना बहुत ज़्यादा अर्न करा था इस ईयर में, मतलब बहुत ही हाईएस्ट अर्निंग मोबाइल गेम्स में से एक था, तो वहीं से ही इसकी वजह से मुझे इसका आइडिया आया। बाकी जो भी है आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए भी थैंक यू।